मैं इसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि दो बारी जो हमने पहले चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से, उसमें जनता में न तो बहुत साथ दिया, परंतु मेरे भाग्य कसर रही इस बार जनता ने, और जैसे मैंने 10 साल तक लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में रहा, लोगों ने मुझे टूट कर दिया, और उसकी वजह यही थी कि तीसरी बारी हम सफल हुए जनता के आशीर्वाद से। कितने 15-20 तो पवार साहब कहते थे कि अब की बार वो छक्का लगाएंगे, तो जनता ने अब की बार जवाब देने का काम किया। पवार साहब तो पता नहीं क्या कह रहे थे, वो तो उनकी कहने की बात थी, लेकिन जनता तैयार थी, उसको छक्का नहीं लगने दे रही थी, छठी का दूध दिवाने याद दिवाने का काम कर रही थी। तो अब आप विधानसभा में सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्या कुछ आपका रहेगा? विधानसभा में देखेंगे जो भी कुछ होगा करेंगे, पहले प्रभु आकार देखेंगे दायरा क्या है। जनता ने आपको, हम जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नीचे रहे मंत्री जी, भाईचारा क्या करेंगे जी, जी जी जैसे स्कूल है, कॉलेज है, सड़कें हैं, और जैसे पानी की व्यवस्था भी है, कई जगह है, बस स्टैंड की भी रही है, और सरकारी जो रोजगार थे नौजवानों को दिलाने में, उसमें भी कमी रही है। अगर कांग्रेस सरकार बना पाती है जी, तो वो अभी नया संशोधन मोटरसाइकिल एक्ट आया है, बिल्कुल विचार करेंगे। ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले भी भाषणों में सटे दुबे का आप, इसमें हम सुधार करेंगे। जनता को तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, अल्केश राणा की जनता का, मुझ गरीब को सेवा करने का मौका दिया, और मैं सच्चाई ईमानदारी से अल्केश राणा के लोगों की सेवा करूँगा। ने मुझे वोट दिया है तभी ये इतनी बड़ी जीत मुमकिन हो पाई है। अभी चुनाव अभी बाकी है, उसका रिजल्ट आना, हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 75 बार तो फिर भी जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहाँ दिक्कत रहेगी, सारे कोई बात नहीं, हम लोगों ने अति मेहनत के साथ, बहुत जुनून के साथ चुनाव लड़ा है, और उस मेहनत और जुनून में कई बार रिजल्ट मनमाफिक भी नहीं आते, मगर जिस तरह का वातावरण था उस वातावरण में कोई चूक नहीं। सर पानीपत की 2 सीटें हारे और 2 जीते, कहीं ना कहीं कमी तो रही होगी, जहाँ ओवर कॉन्फिडेंट भी मान सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, कई बार कुछ पॉलिटिकल समीकरण इस प्रकार के बन जाते हैं कि उस पॉलिटिकल समीकरण में 2-5% वोट बैंक ऊपर नीचे होने से ही बहुत सारे समीकरण बिगड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। इसलिए हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रह के उनकी मन लगा के ईमानदारी के साथ सेवा की है, ईमानदारी के साथ फिर सेवा करें। मैं बताऊं कि आंकड़ा 35 का नहीं है, आज जो जीत है लगभग 40,000 वोट की है, मेरे ख्याल अगले आधे घंटे में आपको एक डेटा मिल जाएगा, लगभग 40,000 की जीत है। और आज सुबह भी मीडिया ने मैसेज की जानकारी दी थी कि एक्सपेक्टेशन क्या है टोटल जीवी वाले से, बस मैंने यही कहा था कि 40 और 50,000 के बीच में जीत रहेगी, कार्यकर्ता का यही अनुमान था। पार्टी जो 2 सीट नहीं आ रही हैं, इसका विश्लेषण जो पार्टी के उच्च अधिकारी करेंगे जरूर, अभी वो समय नहीं है, अभी तो समय ही है कि 2 सीट आ रही हैं, 2 हम लूज कर रहे हैं, विश्लेषण बाद में होगा। 75 बार का नारा दिया गया था, हाँ नारा है, अभी थोड़ी देर अब ठहरी है, पूरी काउंटिंग सभी विधानसभा की 90 की होने दीजिए, तो सब आंकड़ा बढ़ेगा, और मुझे यकीन है कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। थोड़ी देर और इंतजार करिए आप। कुमारी शैलजा जी पर भी, और वो क्योंकि मेरी एक जीत जो हुई है, 82,000 करीब वोट है, मेरे ख्याल मैं सोच रहा बिल बाकी रिकॉर्ड आ जाएगा कुछ देर में, हरियाणा में आज तक 82,000 विधानसभा कोई वोट नहीं ले पाया, 82,000 मतलब 52% वोट मैंने लिया, 52% लेना वोट लेना रिकॉर्ड कायम किया, तो वो उनसे पूछो। लेकिन मैं कार्यकर्ताओं को मैं अभी कह रहा हूँ, रोजगार बड़ा मुद्दा रहा, और मेरा प्राथमिकता रोजगार में ही रहेगी, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, डीसी हो, जो भी है, सरकारी नौकरी हम भी योग्यता के आधार पर चले जा रहे हैं, ये तो ढंडोरा पीटते हैं, इनकी कोई योग्यता वगैरह नहीं है, एचपीएससी एसएससी में कमी इंटरव्यू क्यों रखे, 85 नंबर इंटरव्यू, अब ये मुंबला में घाटा जोड़ दिया, डी ग्रुप के भर्ती करके इंटरव्यू खत्म कर दिए, अरे इंटरव्यू खत्म करो, एचपीएससी को एसएससी करो, जो अच्छी पोस्टें हैं, अच्छी बड़ी बड़ी पोस्टें इंटरव्यू रख दी उन्होंने, छोटी लोगों भकाने के लिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।